आज आपके लाइक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे उन ड्रिंक्स या उन द्रव्य पदार्थों के बारे में या उन पेय पदार्थों के बारे में जिनको पीने से या जिनको यूज़ करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ किए हैं जिसमें हमने बात की है कि कौन कौन सी चीज़ों को लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। ऑब्वियसली उनका पर्पज़ यही होता है कि उन चीज़ों को आप कम लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपका कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ये तो बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ों को लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, पर ये भी बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों को लेने से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, क्या कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। तो आज का टॉपिक डेडिकेटेड है उन क्वेश्चन और क्वेरीज़ के लिए। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन ड्रिंक्स के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में थोड़ी बहुत मदद करती हैं। इसके बाद हम एंड में वो भी ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है, और कुछ और टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हो। लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर। आते आज का टॉपिक पर, आज का टॉपिक है कौन कौन से ड्रिंक्स से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। कोई भी ओट मिल्क हो या कोई भी सोया बेस्ड ड्रिंक हो, तो ये एलडीएल लेवल्स को कंपैरेटिवली कम करती है, एचडीएल लेवल्स को बढ़ाती है। ये कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रिंक माना जाता है। ओट से बनी हुई मिल्क या ओट से बनी हुई ड्रिंक्स या सोया से रिलेटेड ड्रिंक्स कंपैरेटिवली हेल्दी माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है ग्रीन टी। ग्रीन टी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जैसे कि कैटेचिन और एपिगैलो कैटेचिन गैलेलेट। ये बेसिकली बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। और एक स्टडी थी जिसमें लगभग 56 डेज तक इन पदार्थों को पेशेंट को दिया गया, तो उन्होंने पाया था कि लगभग बैड कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन 14% तक देखा गया था। इसी स्टडी में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। ब्लैक टी का भी अच्छा इम्पैक्ट होता है, लेकिन ब्लैक टी का जो ग्रीन वेरियंट है उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें जो कैटेचिन्स है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं और उनके जो कैटेचिन्स हैं उनका बॉडी का अब्जॉर्प्शन पैटर्न भी अलग है। इसलिए ग्रीन टी ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें ब्लैक टी के कंपेरिजन में। मिल्क टी कंपेरेटिवली जब आप रूटीन चाय पीते वो ये काम नहीं करती है, क्योंकि रूटीन चाय में वो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले वो पदार्थ नहीं होते जो ग्रीन टी में मिलते हैं। ग्रीन टी सिंपली एक अलग तरह का ही पदार्थ है जिससे बनाया जाता है। वो सिंपल अपनी जो चाय हम रेगुलर लेते हैं उससे अलग तरह का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सोया मिल्क। सोया मिल्क कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ज़्यादातर जितना कम प्रोसेस्ड हो, जितना ज़्यादा इसमें सॉल्ट शुगर्स और फैट्स वगैरह नहीं डाले गए उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2-3 से 3 सर्विंग अगर आप दिन भर में लेते हैं या एक सर्विंग आप 250 ml का लगभग सोया मिल्क पीते हैं तो कंपेरेटिवली आपके एलडीएल लेवल्स को कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं सोया मिल्क को तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ओट ड्रिंक्स। ओट में कंपेरेटिवली बीटा ग्लूकेंस होता है जो कि एक जेलेटिन जैसे सब्सटेंस होता है। इसमें ये पेट के बाइल सॉल्ट्स के साथ इंट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन है उसको अफेक्ट करता है। ओट ड्रिंक्स जैसे कि ओट मिल्क है वो कंसिस्टेंट लेवल पर कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन करते हैं। इनका कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन पैटर्न जो है कंपेरेटिवली ओट प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं या सॉलिड ओट लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है। ऑन एन एवरेज लगभग आप 250 ml अगर ओट मिल्क एक बार में पीते हैं तो लगभग 1 ग्राम बीटा ग्लूकोन मिलता है, और जितना ज़्यादा बीटा ग्लूकोन आप लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ये बॉडी के फाइबर्स के कंटेंट को भी बढ़ाता है, इसलिए ओट बेस्ड ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है टोमेटो जूस यानी टमाटर का रस। टोमेटो के रस में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला लाइकोपीन पदार्थ होता है, इसलिए जितना ज़्यादा आप टमाटर का जूस लेते हैं वो आपके लाइकोपीन लेवल्स को बढ़ाता है और आपके एलडीएल लेवल्स को कम करता है। इसके अलावा इसमें कुछ और पदार्थ भी होते हैं जो बॉडी के फाइबर कंटेंट को बढ़ाते हैं, बॉडी के नाइसिन को भी बढ़ाते हैं, इसलिए ये कंटेंट ऑन एन एवरेज माना गया है कि लगभग एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने लगभग 25 फीमेल्स को 280 ml ये दिया था लगभग 2 महीने तक, और उन पेशेंट्स में उनको उनका बॉडी वेट भी कम होते देखा गया था और उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम होते देखे गए थे। तो ऑन एन एवरेज आपको दिन भर में लगभग 250 से 300 ml टमाटर का रस अगर आप पी सके तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है बेरी स्मूदीज। बेरीज काफ़ी वीडियोस में मैंने भी बोला है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर ज़्यादा रहते हैं। आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी या ब्लूबेरी जो भी लेते हैं उसमें कंपेरेटिवली फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 2 मुट्ठी भर की आप बेरीज लेते हो तो उसमें लगभग 80 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है,
और इसको अगर आप इसका स्मूदी बना के आधा कप लगभग लो फैट मिल्क या दही के साथ या पानी के साथ अगर आप इसको ड्रिंक बनाते हैं तो ये आपके बॉडी के कैलोरीज को भी कम करता है, फैट को भी कम करता है, फाइबर कंटेंट को भी बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है, कोई भी ड्रिंक जो फोर्टिफाइड ड्रिंक्स होती है जिसमें स्टेरॉल्स और स्टेनॉल्स या प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स होते हैं। बेसिकली ये फोर्टिफाइड ड्रिंक्स इंडिया में उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज में फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स कोई भी दही बेस्ड ड्रिंक्स या जूसेस या मिल्क वगैरह में डाला जाता है। ऑन एन एवरेज ये रिकमेंडेड रहता है कि दिन भर में लगभग 1.3 ग्राम स्टेरॉल्स और 3.4 ग्राम स्टेनॉल्स दिन भर में अगर आप लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इंडिया में ये चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, पर मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो सकती हैं। स्टेरॉल बेस्ड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स अपने यहाँ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोको बेस्ड ड्रिंक्स। कोको बेस्ड ड्रिंक्स में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पीते हो तो उसमें कंपेरेटिवली अगर कोको कंटेंट ज़्यादा है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, कि उसमें कुछ फ्लेविनॉइड्स होते हैं जिसको अगर आप दिन भर में एक से दो बार अगर लेते हैं, 450 मिलीग्राम का ड्रिंक अगर आप इसमें लेते हैं तो ये एचडीएल लेवल्स को कम करता है, एलडीएल लेवल्स को एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल लेवल्स को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसमें कंपेरेटिवली हाई लेवल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड स्मूदीज, यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ अगर आप दूध और मिल्क को ओट मिल्क या रेगुलर मिल्क को मिला करके अगर ड्रिंक बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी पौष्टिक सब्सटेंसेज रहता है जो कि आपके एलडीएल लेवल्स को कम करेगा। इसको बनाने के लिए लगभग 250 ml ओया ओट मिल्क या सोया का मिल्क अगर आप लेते हैं, उसमें केला डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, प्रूनस डाल सकते हैं, वाटरमेलन डाल सकते हैं, आम डाल सकते हैं उसका स्लाइस, प्लम्स डाल सकते हैं, केल एक साग होता है वो आप डाल सकते हैं और इसमें अगर पम्पकिन एक्सट्रैक्ट या पम्पकिन का प्यूरी अगर आप डालते हो, कद्दू का रस आप इसमें डालते हो तो ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके ग्राइंडर में एक स्मूदी बना सकते हैं। ये एक तरह का ड्रिंक है जो आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कंपेरेटिवली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद मिलेगी। अब कौन कौन सी ड्रिंक्स जिसमें हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाती है, उस बारे में बात करेंगे। आपको कॉफीज वगैरह को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हाई अमाउंट ऑफ व्हिप्ड क्रीम, फैट कंटेनिंग मिल्क और क्रीमर्स हो। कोई भी ड्रिंक्स और स्मूदीज जिसमें कोकोनट या पाम ऑयल्स हो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोकोनट बेस्ड ड्रिंक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें भी कंपेरेटिवली आपका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। आइसक्रीम बेस्ड ड्रिंक यानी कोई भी ड्रिंक में अगर आइसक्रीम डाला हुआ हो तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हाई फैट या फुल फैट मिल्क वाले ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है जैसे अगर जूसेस में, स्पोर्ट ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में, सोडा वगैरह में या कॉफ़ी वगैरह में भी अगर बहुत ज़्यादा शुगर डाला तो आपको अवॉइड करना चाहिए। हॉट चॉकलेट प्री पैकेज कोई ड्रिंक्स आते हैं या मिल्क वाले प्रोडक्ट्स में भी अगर शुगर ज़्यादा अमाउंट में डाला है तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएंगी और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। थोड़े अमाउंट में अगर आप अल्कोहल को भी लेते हैं तो वो आपके एलडीएल लेवल को कम करता है, लेकिन आप ज़्यादा अमाउंट में अगर अल्कोहल को ड्रिंक को लेते हैं, दिन भर में एक से दो ड्रिंक को से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिवर को और हार्ट को डैमेज करेगा। इसलिए मैक्सिमम वन ड्रिंक पर डे अगर आप लेते हैं तो आपका एचडीएल लेवल्स को बूस्ट करता है। पर ऑब्वियसली इसके लिए हम ये नहीं रिकमेंड करते कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक है वो भी पीना चालू कर दें या जो लोग अल्कोहल एडिक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पीना चालू कर दें, वैसा हम रिकमेंड नहीं करते। आपको मिनिमम रखना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत एचडीएल अगर बढ़ा भी देगा लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपको कुछ खास फायदा नहीं देगा। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स मैं आपको कहूँगा कि कोई भी चीज़ जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हो उनको आप कम करिए, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हो, ट्रॉपिकल ऑयल्स हो, बेक्ड प्रोडक्ट्स हो, फ्राइड प्रोडक्ट्स हो, प्रोसेस फूड्स हो, ये सारी चीज़ों को आपको कम करना है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। शुगर वाली चीज़ों को कम करना है, डेली आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड्स और वेजिटेबल्स खाना है, होल ग्रेन्स खाना है, जितना फैट फ्री या लीन मीट्स को आप लेंगे उतना अच्छा है, जितना नट्स लेंगे उतना अच्छा है, पल्सेस या दालें लेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स लेंगे तो उतना अच्छा है। लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, फ्री जितना ज़्यादा फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें लेंगे उतना अच्छा है। अल्कोहल और स्मोकिंग को कट डाउन करना चाहिए, अल्कोहल मिनिमम मात्रा में ले तो अच्छा है। बॉडी वेट को इम्प्रूव करना है,
हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो आपको कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिक टिप्स पर बात की कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मदद करती है कम करने में, और इसके अलावा हमने ये भी बात की कि कौन कौन सी ड्रिंक्स उसको बढ़ाती हैं। तो डेफिनेटली सेकेंड वाले जो चीज़ें बढ़ाने वाली चीज़ें उनको आपको कट डाउन करना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि आपके कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन्हें भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा अपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।